हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? होता क्या है, जब जब एग्ज़ाम नियर होता है तब तक दिमाग में ये रहता है कि हम सारा चीज़ भूल गए हैं। ऐसा नहीं होता, सब चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी होती है। तो बिना किसी टेंशन के, घबराहट के प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, ठीक है? आज करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अथॉरिटी है, जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी FSSAI। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली एलिगेशंस अगेंस्ट डाइवर्स प्रोडक्ट्स सच एज इन्फेंट फूड, हेल्थ ड्रिंक्स एंड स्पाइसेस हैव स्पार्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडियाज़ फूड सेफ्टी रिजीम। आपको पता ही है, एक एथिलीन ऑक्साइड स्पाइसेस में पाया गया है, जिसकी वजह से कैंसर तक बीमारियां हो सकती हैं, और वो कई जगह बैन हो चुके हैं। MDH मसाले, इवन आपके एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, पनीर मसाला, जितने भी मसाले हमारे इंडिया में हर घर घर में यूज़ हो रहे हैं, वो सारे बैन हुए हैं। हांगकांग और सिंगापुर ने बैन किए थे। यूरोपियन यूनियन अथॉरिटी ने भी रोक लगा दी है अप्रॉक्स 527 प्रोडक्ट्स की, ठीक है? तो भाई, इसीलिए ये जो संस्था होती है, इसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर करने की सबसे मेन एक इसका अकाउंटेबिलिटी होती है। इसीलिए हो सकता है UPSC प्रीलिम्स में FSSAI के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, जैसे कि क्या ये स्टैचुटरी बॉडी है। पहली स्टेटमेंट अगर रहे कि FSSAI इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी, बिल्कुल सही है। एक एक्ट पारित हुआ था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2008 में, तभी से ये आपका स्टैचुटरी बॉडी एग्जिस्टेंस में आई। ये किस मंत्रालय के अंदर एडमिनिस्टर्ड है, कहाँ ये काम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये इवन ये एक रिलीज करती है इंडेक्स स्टेट फूड सेफ्टी, हर स्टेट सेफ्टी मेजर्स कितना एडॉप्ट कर रहा है, उस पर भी रैंक एलोकेट होते हैं हर साल। ये 7 जून के लगभग आपका ये रिलीज होता है। अब वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट करता है, ये UPSC नहीं पूछेगा, बट वन डे एग्ज़ाम पूछ सकता है 7th of June, जिस दिन आपका ये फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी होता है। मम्स, बीमारी पे UPSC हमेशा पूछता है। मम्स क्या है? मम्स देखो, ऐसा है, एक बच्चे का गाल इतना सूज चुका है। क्यों ये चर्चा में था? क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हुए हैं मम्स के बच्चों के बीच में। खासकर ये एक कहा जा रहा है एक रिसर्च एनालिसिस के थ्रू कि हो सकता है इट वुड बी इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडमिक। अब आप सोचेंगे ये तो तब हुआ, अब क्यों इसका इम्पैक्ट? ऐसा नहीं होता, कई सदियों तक कोई भी वैक्सीन का, कोई भी वायरस का हमारे बॉडी में इम्पैक्ट रह जाता है, ठीक है? अभी कोल्ड जुकाम होता है, पहले हम 2 दिन की दवाई खाते थे, आराम से ठीक हो जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स इवन सेवरल डेज टू रिकवर फ्रॉम कोल्ड, और आपका फीवर, कोल्ड जुकाम आपका लंबा समय ले जाता है, जैसे आज मुझे भी है। खैर, मम्स होता किसकी वजह से है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पैरामाइओक्स वायरस, जो पैरामिक्सो वायरस है, उसकी वजह से मम्स होता है। ये बिलोंग करता है रूबल वायरस फैमिली से, ठीक है? ये जो वायरस होता है, प्राइमरली ये अफेक्ट करता है पैरोटिड ग्लैंड, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर सलीवा प्रोडक्शन, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द फेसेस, यहाँ पे, ठीक है? ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू इन्फेक्टेड सलीवा, ठीक है जी। सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? स्वोलन, पेनफुल सेलिवरी ग्लैंड, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, फटीग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसा बहुत सारे केसेस आए दिल्ली में, ठीक है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स भी जारी हुआ था, जो हमने कल करंट अफेयर में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इंडिया का रैंक दिखाया कि कैसे ये इम्प्रूव हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। पूछ क्या सकता है UPSC और भी, कि भाई 2024 में गवर्नमेंट ऑफ चाइल्ड एंड यूनेस्को, इसने होस्ट किया था 31st वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कॉन्फ्रेंस इन सेंटाइगो, ठीक है? थीम एक स्टेटमेंट रह सकती है, 2024 की थीम क्या थी? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है? फर्स्ट न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था भारत में, डेट वॉज हिकिस बंगाल गैजेट, हुज इनॉग्रल एडिशन वेंट ऑन January 29, 1780,
ठीक है, आयरलैंड बॉर्न जेम्स अगस्तस हिक्की सर्व्ड एज इट्स फाउंडर एडिटर। ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया, क्वेश्चन आ सकता है, हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाइज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, माजुली मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कल्चरल क्वेश्चन है। माजुली मास्क, माजुली रिवर है, नदी है असम, ये सबको पता है, ये मास्क के ऊपर है असम के। दीज मास्क आर मेड ऑफ बैम्बू। दीज मास्क आर ट्रेडिशनली यूज टू डिपिक्ट करेक्टर्स इन भावनास और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस। दीज मास्क हैव गिवन अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि इसको हाल ही में क्या मिला है, इसको हाल ही में मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द सेंट्रल। ठीक है, मजुली जो मेनुस्क्रिप्ट पेंटिंग है ये ऑल्सो गॉट GI लेबल, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। मजुली जो है द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है माजुली को इस मास्क को GI लेबल मिला है। UPSC ये ना पूछ के माजुली रिवर पे पूछ ले, क्योंकि रिवर एक पैट क्वेश्चन है UPSC का। तो ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। द सीट ऑफ द असम्स न्यू वैष्णव ट्रेडिशन हैज़ बीन होम टू द आर्ट ऑफ मास्क मेकिंग सिंस 16th century। जो वैष्णव है, जो वैष्णव लोग हैं, जो नारायण जी को मानते हैं, वो आपके न्यू मतलब कुछ मॉडर्न भी है एक तरीके से, है ना, ट्रेडिशनल मॉडर्न का मिक्सचर है, वो ये मास्क को बना रहे हैं 16th century से। ठीक है, ये होममेड जो मास्क है ये किस लिए यूज होते हैं, टू डिपिक्ट करेक्टर्स इन भावनास और थिएट्रिकल प्लेस विद स्पिरिचुअल टीचिंग। जो थिएटर में प्ले किया जाता है, जो नाटक होता है, उसमें ये मास्क यूज़ होते हैं। ठीक है, किस भगवान को समर्पित है, वैष्णव ट्रेडिशन को समर्पित है, जिन्होंने किसने इस्टेब्लिश किया था 15th-16th century में, रिफॉर्मिस्ट संत श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, दो स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो करेक्ट। दी मास्क पोर्ट्रे गॉड गॉडेसेस डेमोन्स एनिमल्स बर्ड्स इंक्लूडिंग रावण गरुड़ नरसिम्हा हनुमान एंड वारा सूर्पनखा। गलती है भैया, यहाँ पे मुझे पिक्चर भी लगानी चाहिए थी मास्क की, खैर आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, ये जो मास्क है ये बैम्बू से बने होते हैं, क्ले से बने होते हैं, डंग से, क्लोथ कॉटन एंड वुड, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, दे कैन रेंज इन साइज फ्रॉम दोज डैट ओनली कवर दी फेस मुख मुखा। इसलिए देखो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, अब GI टैग की बात हुई है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। GI टैग क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ डेजिग्नेशन अप्लाइड टू प्रोडक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कि कोई वस्तु है वो उसी एरिए में ही बनती है, वो उसी एरिए से ओरिजिनेट है। ठीक है, ये उस टैग उस वस्तु को दिया जाता है कि भाई उसकी इम्पोर्टेंस, एक उसकी वैल्यू एडिशन का बात है, वैल्यू और इंक्रीज होती है वर्ल्ड वाइड, है ना, कि भाई ये प्रोडक्ट को वैल्यू एक्रेडिशन मिला है थ्रू दिस GI लेबल। That indicate that the qualities or reputation of the products are inherently linked to that particular origin. ठीक है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता है, ट्रिप्स का, ये ट्रिप्स ने ही डिफाइन किया है। GI क्या है, इंडिकेशंस विच आइडेंटिफाई अ गुड एज ऑरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ अ मेंबर और अ रीजन और लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी वेयर अ गिवन क्वालिटी रेपुटेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड इज एसेंशियली एट्रीब्यूट्स टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजन। सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है, ये ट्रिप्स के 22 आर्टिकल बस थोड़ा सा माइंड में रखना। अब जो बहुत सारी यूरोपियन नेशंस कंट्रीज है उसमें GI क्लासिफाइड है दो बेसिक कैटेगरीज में, एक है प्रोटेक्टेड GI PGI और दूसरा है प्रोटेक्टेड डेस्टिनेशन ऑफ ओरिजन। तो भारत में सिर्फ PGI कैटेगरी है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर किसी को नहीं पता होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। उससे बढ़ने से पहले, ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये आपका हैंडीक्राफ्ट्स को भी दिया जाता है, जो ह्यूमन स्किल्स और मटेरियल पे बेस्ड है।
ठीक है, ये बहुत पावरफुल टूल है फॉर प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज कल्चर विच कैन बूस्ट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल है। अभी हाल ही में कोंडाविडु फोर्ट, ये जो है ये फोर्ट न्यूज़ में था, ये फोर्ट कहाँ लोकेटेड है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये लोकेटेड है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा पढ़ें। ये एक ऐसा हिल कैसल है जो गुंटूर जिले में पाया जाता है। देखिए इस तरीके से, ये आज भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ तक पहुँचना। उसके बाद ये किसने बनवाया था, प्रोलय वेमा रेड्डी ने बनवाया था। रेड्डी जो डायनेस्टी है उन्होंने इसको अपना कैपिटल भी एज अ कैपिटल यूज़ किया फ्रॉम 1328 अंटिल 1482। तब किसने रिप्लेस किया था, इसको किसने एक्वायर कर लिया, कृष्ण देवराय अ मोनार्क ऑफ विजयनगर टू किट इन 1516। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच कॉलोनी इस पर कंट्रोल किया इस फोर्ट पे, फिर उसके बाद वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंच गई। तो इस तरीके का ये भैया ट्रांसफ़र हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन। ये जो आपका इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में आपको बताना है। द इंस्क्रिप्शन इज प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। ये टेम्पल है, इस टेम्पल की दीवार पे ये आपका उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन दिया है। इट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। क्या ये दोनों फैक्ट सही हैं? तो भाई ये सेकंड फैक्ट तो बिल्कुल सही है और फर्स्ट फैक्ट भी सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है। ये मंदिर, जो मंदिर है उसकी दीवारों पे लिखा है ये इंस्क्रिप्शन, और दूसरा इसका लोकल गवर्नेंस के बारे में चर्चा है। अब थोड़ा सा उत्तरामेरुर के बारे में जानते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, चेन्नई में है। ठीक है, ये एक स्मॉल टाउन विद अ पॉपुलेशन है दिस मच अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये किस लिए जाना जाता है? हिस्टोरिकल टेम्पल्स जो कंस्ट्रक्ट हुए थे ड्यूरिंग द पल्लव एंड चोल पीरियड्स। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन लोकल गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस बताता है, बिल्कुल सही है। दिस इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा द विलेज असेंबली, हैंड सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या है, लोकसभा कमेटीज़ है वो किस तरीके से फंक्शन कर रही हैं, ये सारा ब्यौरा है। ठीक है, और ये डिटेल्स ये भी बताता है हाउ मेंबर्स वर सिलेक्टेड, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल है लोकसभा राज्यसभा वो सारा एक तरीके से इसी इंस्क्रिप्शन के अंदर वर्णन है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हीट वेव्स। गर्मियाँ हैं, हीट वेव्स पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी IMD ने रिसेंट डाटा जो है वो रिलीज़ किया है। अकॉर्डिंगली इट रिवील्स डैट द हीट वेव्स एक्सपीरियंस इन अप्रैल सरपास्ड दोज ऑफ 2023 विच वॉज रिकॉर्डेड एज द वार्मेस्ट ईयर टू डेट। ठीक है, IMD ने डिक्लेयर किया है हीट वेव्स व्हेन द नॉर्मल मैक्सिमम, यहाँ से UPSC का पूछ सकता है हीट वेव्स कब होती हैं, जब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर एटलीस्ट टू लोकेलिटीज इन प्लेन्स टचेस 40 डिग्री सेल्सियस और एक्सीड्स 4.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, इन हिली एंड कोस्टल रीजन्स द हीट वेव्स डिक्लेयर्ड व्हेन टेम्परेचर क्रॉस 30 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। अ सीवियर हीट वेव्स इज डिक्लेयर्ड इफ द टेम्परेचर डिपार्चर एक्सीड 6 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अभी ये जो माता जी हैं, जो आपकी श्री शारदा मठ की प्रेसिडेंट तीसरी बार रह चुकी हैं, इनका नाम क्या है, प्रवराजिका आनंद अपर्णा माता जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अपना कंडोलेंस दिया है इनके मृत्यु, इनके अमर होने पर, अमर ही कहेंगे ऐसे बड़े संतों को। ये 98 एज में इनकी डेथ हुई है, 30th अप्रैल को हुई है। इनकी लेगेसी क्या थी, हेल्थ केयर एजुकेशन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, हर एफर्ट्स इन हेल्थ केयर एजुकेशन एम्पावरिंग नारी शक्ति विल ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो श्री शारदा मठ है UPSC वहाँ पे पूछ सकता है, क्योंकि ये रामकृष्ण शारदा मिशन की प्रेसिडेंट थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। उसके बाद वनडे में तो बन सकता है कि भाई कौन थी ये। अब आपके पास आता है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम।
अभी हाल ही में डिस्कशंस हुआ है इंडियन गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के बीच में रिगार्डिंग अ पोटेंशियल एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इन इंडिया। अभी प्रेजेंट में क्या होता है, इंडियन वॉरशिप डू नॉट हैव इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, हमारे पास इलेक्ट्रिक नहीं है, हम यूज़ करते हैं करंटली डीजल इंजन, गैस और स्टीम टर्बाइंस। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में है कि हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम को भी ले आए। दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिस्टम। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो। ठीक है, फर्स्ट मे को DRDO ने टेस्ट किया है अ नेक्स्ट जनरेशन टोरपेडो रिलीज सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्मार्ट, एम्ड एंड एनहांसिंग नेवीज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। तो ये आपकी नेवी से रिलेटेड है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वनडे में पूछ सकता है, PCS में भी इवन पूछ सकता है। दिस सिस्टम कंप्राइजेज अ मैकेनिज्म बाय विच द टॉर्पेडो इज लॉन्च फ्रॉम अ सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम विद मॉडिफिकेशन दैट वुड टेक द टॉर्पेडो टू अ फार लॉन्गर रेंज देन इट्स ओन। ठीक है, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई करंट अफेयर सेशन हेयर ओनली। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।